आज जो आपका टॉपिक चलेगा वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। थोड़ा सा माइंड पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इस टॉपिक पर और समझना भी पड़ेगा। डेली लाइफ में बड़ा यूज होता है ये और करते भी हम लोग इसको। तो रिलेटिव मोशन या वेलोसिटी जो आप पढ़ने वाले हो, अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है इसके ऊपर क्या होता है ये। इसके अंदर कुछ रूल रेगुलेशन भी आप बना सकते हो, लेकिन माइंड में जब तक प्रैक्टिकल मीनिंग ना बन जाए, इमेज फॉर्मेशन ना हो जाए, तो कोई फायदा नहीं होता हमारा फार्मूले बनाने का, क्योंकि फार्मूले भी अप्लाई तब होते हैं जब वो कंडीशन को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने आपको एक एक्सप्रेशन करवा दिया था, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर इसके बारे में बताऊंगा। बिकॉज इसकी जो थ्योरी है वो समझ में नहीं आती, वो समझ में तभी आएगी जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पढ़ने के बाद समझ में आती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पहले समझनी पड़ती है और बाद में पढ़ना पड़ता है तब समझ में आती है। तो पहले सिर्फ समझिए एग्जाम्पल को लेकर, बाद में इसकी थ्योरी पढ़ना, जो मैं आपको मतलब एक तरह से पीडीएफ भेज ही दूंगा उसकी, जो आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले आप इसमें स्टार्ट करें, कोई आपने ऑब्जेक्ट ले लिया ए, कोई ऑब्जेक्ट हमने चूज कर लिया ए, ग्राउंड पर है वो, क्या बेटा ग्राउंड पर खड़ा है आराम से, ऐसे ऑब्जर्वर कह लो इसको, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ही हो ये। ठीक है, उसके बाद आप एक गाड़ी को देखते हो चलते हुए इस डायरेक्शन में, 10 मीटर पर सेकंड चल रही है इस डायरेक्शन में, तो आप ग्राउंड पर हो और ये वेलोसिटी ऑफ कार है 10 मीटर पर सेकंड। आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कह लो या आपकी कह लो, बात एक ही है, क्योंकि आप ग्राउंड पर ही खड़े हो, चल नहीं रहे हो, रेस्ट पोजीशन पर खड़े हो, तो आपकी ग्राउंड की वेलोसिटी ले लो 0 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड को ही चल रहेगा, ग्राउंड तो रुका ही हुआ, ग्राउंड रुका हुआ। तो ये गाड़ी जो चल रही है ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपने इस डायरेक्शन को, फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव साइन के साथ ले रखा है। किसके साथ ले रखा है, पॉजिटिव साइन के लिए, क्यों जरूरी पड़ा अभी पता लग जाएगा। तो अगर आप इस गाड़ी को देखते हो, आगे जाते हुए देखते हो, तो आप इसकी वेलोसिटी बोलोगे वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, वो भी कैसे, प्लस के साथ। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो ये वेलोसिटी ऑफ कार आप बोल रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड चल रही है, ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार नहीं होती, ये वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। मतलब आप सड़क पे खड़े होके देख रहे हो, एक गाड़ी आई 10 मीटर पर सेकंड से आपके सामने से निकल गई, तो आप कहते हो बड़ी स्पीड है इसकी, तो 10 मीटर पर सेकंड से निकली है तो मेरे सामने से, तो वो आपके हिसाब से बताई गई है। सेकंड थिंग, अगर यही गाड़ी या कोई और गाड़ी आपको इस डायरेक्शन में चलती हो उल्टा ऐसे दिख जाए, तो भी ये वेलोसिटी ऑफ कार होगी। ठीक है, तो भी ये वेलोसिटी ऑफ कार होगी, लेकिन यहाँ पे आप इसको नेगेटिव साइन के साथ ले लोगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हो तो आपको आगे जाती हुई दिख रही है, अब देख रहे हो तो ये आपको गाड़ी पीछे जाती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर आप इसकी वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर दिस, ये बताइए मेरे को, ये चीज आपको समझ में आ गई है, ये चीज आपको छोटी सी बात है, आगे आगे बड़ी होती चली जाएगी। बताइए बेटा, अरे कोई रिस्पांस तो दीजिए। यस सर। चलो इसके बाद साथ ही साथ म्यूट कर लीजिए अपने आपको, यस सर कह के। इसके बाद जो ये गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा है, मान लो दोबारा से इसी चीज को पढ़ेंगे आप, देखिए
ये गाड़ी आगे जा रही है, ग्राउंड पे आप खड़े हो, यहां पर जो आदमी बैठा है ग्राउंड पर खड़ा है, जो ये गाड़ी के अंदर आदमी बैठा है, उसको 10 मीटर प्लस के साथ सामने जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपने इसको कह दिया वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो ये गाड़ी में आदमी बैठा है, अगर ये आपको यहां पर देख रहा है कि आप यहां पर बैठे हो, ग्राउंड में खड़े हो, ठीक है, ग्राउंड पर खड़े हो आप यहां पर, तो ये आपको देखता है, तो आप कहां जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इसको, पीछे की तरफ, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हालांकि ग्राउंड नहीं चलता, लेकिन जो गाड़ी में बैठा है वो इसको पीछे की तरफ रियलाइज करेगा कि ये पीछे की तरफ भाग रहा है, और उसकी वेलोसिटी उसको क्या दिखेगी, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। बट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू कार, इसको VGC लिखेंगे आप, इसको VCG लिखेंगे आप। ये कंसेप्ट आया आपको समझ में? यस सर, यस सर, ओके, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद रफ कर देता हूं मैं इसको, गाड़ियों से लेते हैं, दो गाड़ियां लेंगे अब, ठीक है। ये गाड़ी के अंदर ये आदमी बैठा है, ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, करने दो ड्राइविंग, सही ड्राइविंग कर रहा है बिल्कुल, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ग्राउंड को छोड़ दीजिए अब। ये दूसरी गाड़ी है, इसके अंदर कोई ऐसे अपोजिट में चल रहा है, ये भी ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, ये भी ड्राइविंग कर रहा, बट ही इज मूविंग विथ 15 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहली बात रियलाइज करना इस चीज को, ये जो चल रहा है इस तरह से, दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार ए, ये कार ए है, ये कार बी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार बी, एंड यू नो वेरी वेल जो ये वेलोसिटी ऑफ कार बी है और कार ए है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो, ये आगे की तरफ जा रही है, तो वी ए जी भी लिख सकते हो आप, लेकिन क्यों परेशान हो रहे हो, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही सारी वैल्यू ले रहे हो आप, तो आप इसको वी ए प्लस का ले लीजिए और वी बी ये माइनस का, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है ग्राउंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है, नंबर वन, ये बात तो आपको पता ही है। दूसरी चीज, ये दोनों गाड़ियां चल रही है, एक उधर जा रही है, एक इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन है इनकी, कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है यहां पर अभी इसका गैप 0 मीटर है, दोनों की दोनों गाड़ियां सपोज साथ साथ ही खड़ी है, कोई गैप नहीं है इनमें, एक सेकंड के बाद ये कहां पर पहुंच जाएगी ये गाड़ी, आफ्टर 1 सेकंड कितने मीटर चली जाएगी ये गाड़ी इस पॉइंट से, ओरिजिन से, वेरी गुड, 20 मीटर चली जाएगी आफ्टर 1 सेकंड, और ये वाली चली जाएगी 15 मीटर, टोटल जो गैप आ जाएगा इनके बीच में कितना आ जाएगा, 35। लेकिन ये भी उसी सेकंड में गई थी, ये भी उसी सेकंड में गई थी, टाइम ऐड नहीं होगा, टाइम सेम ही रहेगा, 35 मीटर 1 सेकंड में कवर हो जाएगा इनके बीच का गैप, यानी कि इस गाड़ी से इस गाड़ी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 35 मीटर रह जाएगा। दूसरी बात, इस चीज को रियलाइज करना है, जो ये आदमी इसमें बैठा है और साइड में ग्राउंड है और चला रहा है गाड़ी, तो इसको अपनी स्पीड दिखेगी 20 मीटर पर सेकंड, कितनी दिखेगी, 20 मीटर पर सेकंड आकर ये सामने ऐसे चला रहा है, लेकिन उसी टाइम जैसे ये 20 मीटर पर सेकंड चलाते चलाते पीछे देखता है या फिर उस मिरर में देखता है जिसमें बैक साइड का दिखता है ना, गाड़ियों में लगा होता है उसमें देखता है, उसमें वो 15 मीटर, ठीक है, वो पीछे जाते हुए दिख, पल के लिए ऐसे देख भी लिया उसको ऐसा, तो वो गाड़ी पीछे जा रही है, आप आगे जा रहे हो,
तो आपको रियलाइज होगा आपका ये 20 मीटर पर सेकंड और ये 30-15 दोनों ऐड होकर आपको लगेगा वो तो 35 से जा रहा है. यस और नो? यस सर. बोलिए. यस सर. तो ये चीज आपको रियलाइज है वेलोसिटी ऑफ, अगर आप इसको देखोगे पीछे की तरफ जा रहा था ये, तो आप यहां पर लिखोगे -35 मीटर पर सेकंड ए, वो कितनी होगी -35, यानी कि बी वाले की वेलोसिटी है ये कौन सी माइनस के साथ, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में. मतलब अगर ये सोचा जाए कि बी कितने स्पीड से भाग रहा है तो आप ये रियलाइज कर सकते हो कैसे, ए में बैठकर. समझिए इस चीज को, बी वाले की वेलोसिटी कितनी होगी -35 मीटर पर सेकंड, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ए वाले के रिस्पेक्ट में. और ये रियलाइज कौन करेगा, ए वाला करेगा, यानी कि रिस्पेक्ट किसकी करी गई है, ए की करी गई है. किसने की है, बी ने करी है. तो ए वाला अगर बी को देखेगा तो वो बी वाला कितने स्पीड से भाग रहा होगा, -35 मीटर पर सेकंड से. यहां तक अगर आ गया समझ में, ठीक है आगे एक लाइन और बोलूंगा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा. जल्दी बोलिए. जल्दी बताइए. इस ए वाला देख रहा है इसको, इसकी वेलोसिटी मिली 35, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में पीछे की तरफ भाग रही है. क्लियर है ये? यस सर. यस. अगर ए वाला आदमी इसको देखे तो, ये वाला आदमी इसको देखे तो ये 20 से तो खुद ही चल रहा था और 15 से पीछे खुद चल रहा है, इसको अपनी तो स्पीड दिखेगी नहीं, इसी की दिखेगी. और वो कौन सी स्पीड होगी, वेलोसिटी ऑफ ए, कार ए की स्पीड दिखेगी इसको, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, अपने रिस्पेक्ट में दिखेगी, लेकिन अपना नहीं पता लगेगा इसको, सिर्फ ए दिखेगा. और वो भी कितनी स्पीड से भागता हुआ, कितनी स्पीड से चलती हुई गाड़ी दिखेगी उसको, +35 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. यस सर. तो ये देखिए अब सारी की सारी चीजें मैं यहां पर लिख सकता हूं. तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बताइए मेरे को, ऊपर से देख के ही बताना है सबने मेरे को, इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए ताकि मेरे को क्लियर होता जाए कि आपको पता है. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, +35 मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, -35 मीटर पर सेकेंड. वेरी गुड. उसके बाद वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताइए. अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो आप इसके न्यूमेरिकल इजीली कर पाएंगे, उसमें मतलब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा खेल इसी का है. -15 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताइए. +20 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी बताइए, इसको बता दीजिए मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाए. -20 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, बी कहाँ जा रहा है, पीछे. बी में बैठकर आप आगे देखते हो ग्राउंड को, तो ग्राउंड तो आगे जाता हो दिखाई देगा ना आपको. +15 मीटर. बस ये है, यहाँ पर ही तो धक्का खा गए, विधि आपका आंसर गलत हो गया. विधि ने बताया था -15. यहाँ पर सोचना आपने कि गाड़ी चल रही है ग्राउंड, ठीक है, गाड़ी में बैठकर ग्राउंड को रियलाइज करिए. ग्राउंड कहाँ भाग रहा है, ग्राउंड आगे की तरफ भाग रहा है, उस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो वो डायरेक्शन तो पॉजिटिव साइन के साथ है ना, ठीक है. इज इट क्लियर टू यू? सर.
Yes, sir. Okay. After that, same direction के लिए करेंगे अब आप. किसके लिए? Same direction के लिए. इसके थोड़े बहुत ग्राफ भी है, लेकिन वो इजी ग्राफ है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. ये थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट था, जो आपने समझ लिया है अब तो आसान कंसेप्ट है. इन सेम डायरेक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे, चलो कर लेते हैं, एक गाड़ी ले ली आपने, गाड़ी ए ले ली, स्पीड इसकी यही ले लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड. एक दूसरी गाड़ी भी ले लीजिए, गाड़ी बी, ओके, कार बी, दिस इज कार बी, दिस इज कार ए, यू नो द वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस दिस वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब ये दोनों अगर एक ही पॉइंट से चल रही है, दोबारा से अगर ये दोनों सेम पॉइंट से चल रही है, ओरिजिन से चल रही है, रेफरेंस पॉइंट इज सेम, तो एक सेकंड के बाद इन दोनों के बीच में गैप कितना रह जाएगा? पहले तो ये एक सेकंड के बाद ये कितना ट्रेवल कर जाएगी बताइए? 15 मीटर. 15 मीटर पर सेकंड. ये वाली गाड़ी 10 मीटर. 10 मीटर. 10 मीटर. तो इसकी लोकेशन ये होगी, इसकी लोकेशन ये. इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा? 5 मीटर. लेकिन ये भी एक सेकंड में हुआ, ये भी एक सेकंड में हुआ, तो इन दोनों के बीच में एक सेकंड के बाद 5 मीटर का गैप रह जाएगा, और 5 मीटर में भी ए गाड़ी आगे चली जाएगी और बी गाड़ी पीछे रहेगी. तो ये जो 5 मीटर एक सेकंड में गैप आया है, 5 मीटर पर सेकंड, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी. कैसे देखते हैं. 2 सेकंड के बाद क्या होगा? ये 30 पे पहुंच जाएगा और ये 20 पे, इनके बीच का गैप 10 आ जाएगा, लेकिन 2 सेकंड में, फिर भी 1 सेकंड में 5 मीटर ही आएगा. तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए. अब प्रैक्टिकल मीनिंग लेंगे, मैथमेटिकल पर बाद में आएंगे. देखो मैथमेटिकल में करना शुरू हो गया था, आधे बच्चों के गायब हो गया होगा माइंड में से, क्या हो गया एकदम से. तो ज्यादा फास्ट नहीं चलना है, स्लो स्लो करिए स्पीड को. दोबारा से आइए इस क्वेश्चन पर कि अगर ये 15 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, पीछे वाला 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, क्या ये वाला इसको पकड़ लेगा? कभी नहीं पकड़ेगा. लेकिन 1 सेकंड के बाद इसके बीच में गैप कितना हो जाएगा? 5 मीटर. 2 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा? आफ्टर 1 सेकंड 5 मीटर का गैप हो जाएगा. ए 5 मीटर आगे होगा बी से. 2 सेकंड के बाद 10 मीटर हो जाएगा गैप. 3 सेकंड के बाद 10 मीटर हो जाएगा. बट फ्रॉम देयर यू कैन सी इनके बीच का गैप 5 मीटर 1 सेकंड में बढ़ता जा रहा है. तो आप बैठे हो गाड़ी बी में और एक बच्चा बैठा है गाड़ी ए में. अब देखते हैं ये क्या देखते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि इनको क्या दिखाई दे रहा है. ये तो हमने अपने हिसाब से सोच लिया. ये बैठा है गाड़ी ए में और यहां पर रेड कलर की गाड़ी आ चुकी है पीछे पीछे. ठीक है, ये यहां से इसको देखना शुरू करता है. ये देखता है मेरे बिल्कुल इक्वल है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, आफ्टर 1 सेकंड देखता है ये तो पीछे जा रहा है. Yes or no? तो B की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू A, A में बैठकर देखिए B की क्या वेलोसिटी है, तो कितनी होगी? वही चीज है जो पहले पढ़ी थी आपने. बता सकता कोई? 5 मीटर पर सेकंड. कितना? दोबारा बोलिए. -5 मीटर पर सेकंड. इस गाड़ी में बैठकर अगर वो देखता है, ये बेटा म्यूट कर दीजिए अपने आप को आंसर देने के बाद. ये जो इस गाड़ी में बैठकर बी गाड़ी तो इसको पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है,
दैट्स वाई माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको रियलाइज करिए, वेलोसिटी ऑफ कार ए कैसी दिखाई देगी, किसको, बी वाले को, 5 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, इसको ये 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन के लिए था, सेम डायरेक्शन में अगर किसी की डिफरेंट वेलोसिटी होगी तो उनके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा, और ये बढ़ भी रहा है, यू कैन सी हियर, ठीक है। अगर इक्वल हुई तो गैप यही रहने वाला है सेम। बताइए आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो अब हम इसको ग्राफिकल पढ़ेंगे थोड़ा सा, किसको, ग्राफिकल। ग्राफ में क्या होगा, सिंपल से ग्राफ है, अगर उसको लेकर क्वेश्चन आ जाए तो इजीली आप कर सकते हो, मतलब मुश्किल नहीं है। ग्राफिकल ये लास्ट टॉपिक है आपका इसका, लेकिन मैं इस पे थोड़ा टाइम लगा रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में ये ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ये खत्म हो गया बस इतना करवाते, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर आपको ज्यादातर करवाया जाए, बिकॉज कंपटीशन के कह लो या एक्स्ट्रा क्वेश्चन कह लो इसके ऊपर काफी बनते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी को लेकर ग्राफ कैसे बनेगा, पोजीशन टाइम को लेकर करेंगे, किसको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आते हैं आपको, डिस्टेंस की बजाय हम यहां पर पोजीशन ले लेते हैं और टाइम भी ले सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी या स्पीड, इसको शो करता है। तो सपोज ये ओरिजिन है, यहां पर आप खड़े हो और फिर दो गाड़ियां ले रहे हैं हम, एक गाड़ी ले ली ए जो आपसे कितनी दूर खड़ी है, सपोज एक्स जीरो वन डिस्टेंस पर, टी जीरो है सबके लिए, यहां पर क्या है, टी जीरो आपके लिए भी इस गाड़ी ए के लिए। दूसरी गाड़ी इसी ओरिजिन से थोड़ा और दूर खड़ी है, सपोज एक्स जीरो टू, ये गाड़ी बी है, कार बी, ठीक है। अब बात आ जाती है यहां पर, जो गाड़ी ए है, कार ए है, उसकी वेलोसिटी ले लिया आपने वी ए, और जो कार बी है उसकी वेलोसिटी ले लिया आपने वी बी, और साथ में कंडीशन लगा दी कि वी ए इज इक्वल टू वी बी। जो वेलोसिटी ऑफ कार ए है और वेलोसिटी ऑफ कार जो बी है, उनकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल है और यूनिफॉर्म मोशन में, ये कैसे घूम रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर मैं वैसे अगर जनरल बात करूं तो ये भी मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कैन यू टेल मी इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बता सकते हो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा बनता है, बताइए। पोजीशन टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन सेम वेलोसिटी के लिए। स्टूडेंट्स कहां चले गए, स्टेट इनक्लाइंड लाइन, वेरी गुड। तो ये चला स्टेट इनक्लाइंड लाइन, इस लाइन के ऊपर कहीं भी आप स्लोप ले लीजिए, यू नो वेरी वेल, ले लिया V1 निकाला, V2 निकाला, आपको पता है V1 is equal to V2, यही वैल्यू आने वाली है, ठीक है। दूसरी बात, B की भी वही वेलोसिटी है, तो इसका भी स्लोप कैसा आएगा, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन। और जैसा ये था ना, ये वेलोसिटी की वैल्यू को दे रहा है, पता है ये वेलोसिटी की वैल्यू कितनी देगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, बिल्कुल पैरेलल बनेगा इसके साथ, इस पे भी आप कहीं भी रेशो ले लीजिए,
हर पॉइंट पर उसकी जो v1 v2 v3 की वैल्यू है वो सेम आएगी, और वो भी कितनी आएगी, सेम आएगी 20 मीटर पर सेकंड पैरेलल, यानी कि जो गैप इनके बीच में स्टार्टिंग में था वो गैप आप किसी भी टाइम नोट कर लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए, हर वक्त उसका जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, x02 - x01। इज इट क्लियर फॉर यू स्टूडेंट्स? टेल मी, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। ओके, इसी के साथ अब बात आ जाती है, अगर मैं इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देता हूं, क्या कर देता हूं, वेलोसिटी चेंज कर देता हूं, तो यू नो दिस इज टाइम, दिस इज पोजीशन, दो पॉइंट फिर दोबारा ले रहा हूं ओरिजिन से, ये गाड़ी ए है, ये गाड़ी बी है, ये x01 डिस्टेंस पर है, ये x02, ठीक है, जीरो का मतलब है जीरो पॉइंट से फर्स्ट वाला, जीरो पॉइंट से सेकंड वाला, लेकिन यहां पे कंडीशन थोड़ा चेंज, VA इज ग्रेटर देन VP, VA इज ग्रेटर देन VP, तो वेलोसिटी भी आप कम ज्यादा ले सकते हो, लेकिन अब हम बिना वैल्यू के करेंगे, कई बच्चे क्या करेंगे, जैसे पेपर में क्वेश्चन दे दिया ना तो वो है ना वैल्यू लगा के बता देंगे मेरे को समझा देंगे, लेकिन दिस इज द जनरल थिंग, ये जनरल थिंग है, जनरल थिंग में अगर आपको कह दिया गया है कि ऐसे करना है तो आपको ऐसे लेकर ही बताना है, फिर यू नो वेरी वेल वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी है, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका कम होगा, स्लोप ज्यादा और कम बनाइए, ये लीजिए स्लोप ज्यादा बना दिया इसका, देखिए स्लोप ढलान ज्यादा होगी ना, इसका एंगल ज्यादा हो गया, एंगल लेने के लिए आप यहां से ऐसे ले सकते हो थीटा, दूसरा बी का स्लोप कम होगा, बी का स्लोप कम होगा तो जैसे आपने इसको ऐसे स्लाइड करा था, इसको थोड़ा कम स्लाइड करिए, ले इसका अगर एंगल देखा जाए तो ये थीटा टू, एंड यू नो वेरी वेल थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, ये स्लोप को शो करेगा, यानी कि टेंजेंट थीटा वन टेंजेंट थीटा टू, यही होता है ना स्लोप बताया गया था। चलो इसका तो अभी इतना ज्यादा हम करेंगे नहीं डिटेल से, पहले पढ़ रखे इसके बारे में, तो इसका मतलब क्या है, बी पहले ए से आगे खड़ा था, कुछ डिस्टेंस था उनके बीच में जब जीरो टाइम था, टी जीरो था, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ए ज्यादा था और वेलोसिटी ऑफ बी कम था, है यूनिफॉर्म मोशन, तो आप क्या देखते हो कि ए वाली गाड़ी जो है बी वाली को किसी पॉइंट पर क्या कर देगी, पकड़ लेगी, ओवरटेक करना की कोशिश करेगी, ओवरटेक करेगी, तो यहां से आप ग्राफिकल मेथड से ये देख सकते हो, अगर आप पे ये ग्राफ प्रॉपर है तो यहां से आप देख सकते हो कि किस टाइम वो ओवरटेक करेगा, यहां से वो टाइम मिल जाएगा। दूसरी बात, यहां से ही परपेंडिकुलर डालकर आपको ये पता लग जाएगा ओरिजिन से कितनी दूरी पर, कितने मीटर दूर, कितनी डिस्टेंस पर वो क्या करेगा, उसको ओवरटेक करेगा, चलते तो करने से ना, चलने के कुछ आगे जाके ही करेगा, तो ये डिस्टेंस और टाइम दोनों आप यहां से मिल सकते हैं आपको, कब, अगर वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी से ज्यादा हो, भले ही उनके पहले वो ए पीछे हो लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उसको ओवरटेक करके आगे चला जाएगा। क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा और आपको ही आंसर देना। वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी, यहां पर टाइम था, अब बताइए अगर ए की वेलोसिटी कम है और बी की वेलोसिटी ज्यादा है तो ग्राफ कैसा बनेगा, वी ए कम स्लोप होगा, स्लोप लेस होगा इसका, और इसका स्लोप कैसा होगा, ग्रेटर, यानी कि इसका जो थीटा होगा, थीटा वन कम होगा
और थीटा टू ज्यादा, इससे भी बता दिया था आपको, है ना। तो ए का स्लोप कम होगा, ए का स्लोप कम लेने का मतलब ये लो कम स्लोप ले लिया इसका। और बी का स्लोप कैसा होगा, बी का स्लोप ज्यादा होगा, हाई होगा, इसका थीटा कम है, इसका थीटा ज्यादा होगा। तो क्या ये एक दूसरे को कहीं मिलेंगे, यस और नो? नो सर। नो सर। यस। तो ये कभी आपस में नहीं मिलेंगे। और हर पॉइंट पर ध्यान से देखना, यहां पर गैप कम था और इनके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड से आप कहीं से भी इसका क्या निकाल सकते हो, इस टाइम पर मान लो गैप चाहिए तो वो आपको गैप मिल जाएगा, किसकी पोजीशन क्या है। ये है इसका फायदा ग्राफ का। इस ग्राफ से आप जज कर सकते हो इंस्टेंटेनियसली इंस्टेंट कि उनके बीच का गैप कितना है, कितने टाइम बाद वो एक दूसरे से कितना दूर हो जाएंगे। तो ये था कंसेप्ट आपका रिलेटिव वेलोसिटी का। और अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इसके, और उस क्वेश्चन में सबसे इजी क्वेश्चन पहले मैं आपको दूंगा ताकि आप उसके आंसर मेरे को सही तरह से दे सके, उसके बाद थोड़ा थोड़ा टिपिकल करते चलेंगे। ट्रेन ट्रेन ले लेते हैं, दो ट्रेन ले लेते हैं। इस वेलोसिटी इज 50, सपोज इस वेलोसिटी इज 30। तो सिंपल वे में उस डायरेक्शन को आपने ले लिया, मर्जी आपकी होती है, उस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव साइन ले लिया तो इसको आपको माइनस लेना पड़ेगा। दिस इज द ट्रेन ए वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, गिव मी आंसर, गिव मी आंसर, हरी अप। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस या माइनस, प्लस 80 मीटर पर सेकंड। बैठकर ए की वेलोसिटी देखनी है बेटा, ए जा रहा है पीछे की तरफ, बी में बैठकर देखोगे तो ए और ज्यादा पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। माइनस 80 मीटर पर सेकंड। आपको क्वेश्चन भेजूंगा मैं आज, ठीक है, वो करना बैठकर। और इसका आंसर क्या रहेगा, प्लस 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसके साथ आप ग्राउंड के साथ भी कर सकते हो इसको, इसके साथ ग्राउंड। लेकिन यहां पर अगर मैं एक कंसेप्ट ले लूं तो वो होगा नहीं बेटा, टाइम कम रह चुका है। चलो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि अगर एक मंकी है यहां पर, ठीक है, वो मंकी की रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, रिलेटिव वेलोसिटी अगेंस्ट द कार ए इज 5 मीटर पर सेकंड। तो मंकी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये देखिए समझ में आएगा कि नहीं, वो नहीं मैं जानता अभी। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए का ट्रेन के अंदर बैठकर कोई देख रहा है तो मंकी की वेलोसिटी उसको दिखती है 5 मीटर पर सेकंड अगेंस्ट द ट्रेन। ए का मतलब क्या है, ट्रेन जा रही है पीछे की तरफ, पीछे जा रही है, और मंकी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो दिखती है उसको आगे की तरफ चलती हुई ऐसे। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब एक बंदर है जो ट्रेन ए पर इस तरफ भाग रहा है लेफ्ट टू राइट, और ये जो ट्रेन है वो कहां से जा रही है, राइट टू लेफ्ट। ट्रेन ऐसे चल रही है, मंकी ऐसे भाग रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है किसको, जो ट्रेन के अंदर बंदा बैठा है, ट्रेन के अंदर जो बंदा बैठा है उसको दिख रहा है कि मंकी छत के ऊपर ऐसे भाग रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये मंकी की वेलोसिटी नहीं है, ये मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए है। ये कंसेप्ट बड़ा समझने वाला है, इस चीज को फाइंड आउट करना है आपको कि मंकी की वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि अभी सिर्फ आपको मंकी देखो, ऐसे तो आपको पेड़ भी चलता हुआ दिखाई देता है ट्रेन में बैठ के, क्या वो चलता है एक्चुअल में, नो। तो इसी तरह से मंकी चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है ये नहीं पता भी लेकिन ट्रेन में बैठे हुए बंदे को वो 5 मीटर पर सेकंड उसके अगेंस्ट जरूर दिख रहा है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना मेरे को, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी।